हम लोग पूरी रात ड्राइव कर रहे थे टू रीच हियर अर्ली, बट बीच में 2 घंटे का नैप ले लिया एंड नाउ वी आर रनिंग लेट। वी आर इन मेन USA। हम लोग जा रहे हैं टू बैस्टर स्टेट पार्क एंड ये पिक सीजन है बिकॉज नॉर्थ अमेरिका में समर है। वी हैव टू रीच अर्ली टू बी इवन अलाउड इन टू द स्टेट पार्क। ऑल पार्क हैव ए कैप ऑन द नंबर ऑफ पीपल एंड व्हीकल्स दैट आर अलाउड एवरी डे। सो लिमिटेड पार्किंग, limited camping and limited peoples on the camping ground and on the trails. Official यहाँ पे सब कुछ track कर रहे हैं and if you are from the other state you have the second priority to get access to the park because it's a state park not a national park. हम लोग late थे इसलिए जो camping ground में parking चाहिए था वो full हो गया था। सयादरी ऐसा नहीं था कि कहीं भी car park किया and start हो गया। हम बात कर रहे थे विद द पार्क ऑफिशियल टू फिगर आउट अदर ऑप्शंस। तभी ऑफिशियल ने सिस्टम चेक किया, दे फाउंड 1 पार्किंग स्पॉट फ्री इन ए डिफरेंट कैंपिंग ग्राउंड। ये वो कैंपिंग ग्राउंड नहीं था जहां से आई वांटेड टू स्टार्ट दैट ट्रैक। कैंपिंग ग्राउंड्स आर लाइक सयादी बेस्ड विलेजेस। हर कैंपिंग ग्राउंड से एक अलग ट्रैकिंग रूट स्टार्ट होता है एंड आई डिडंट वांट टू मिस द चांस सो वी टुक इट। माय वाइफ हैज ऑलरेडी डिसाइडेड not to join because he was the one driving the whole night and I didn't want to miss the chance so we took it. So I was the only one to hike to Baxter Peak, most popularly known as Mount Katahdin or Katahdin. Ye true hiking ka bada milestone hai. Ye true hiking kya hota hai? True hiking is like hiking on a established end-to-end hiking trail, let's say from point A to point B with a continuous footstep in one direction. Continuous footsteps in one direction means आप either A to B जा रहे हो या B to A जा रहे हो। And US में ऐसे 2 popular true hikes हैं, Appalachian Trail and the Pacific Crest Trail. Appalachian Trail जो 3500 किलोमीटर लंबा है is through 14 states and is on the east coast. Pacific Crest Trail जो 4270 किलोमीटर लंबा है is on the west coast. Appalachian Trail 14 state होके जाता है। True hiker को average 6 महीना लगता है to complete it. And Mount Katahdin is a northern terminus of Appalachian Trail. Northern terminus मतलब जो लोग Appalachian Trail north to south करते हैं For them, Katahdin is the starting point and Springer Mountain जो जॉर्जिया में है is the end point. Vice versa, people doing south to north Appalachian Trail, for them Katahdin is the end point. So in short, Katahdin is a most important milestone in Appalachian Trail. मैं घने जंगल से थ्रू जा रहा था। पूरे ट्रेल में मैं अकेला था। एक कांस्टेंट डर था मेरे मन में, भालू ना मिल जाए। यहाँ पे भरपूर ब्लैक बेयर हैं। बीच बीच में एक पैच आता था जहाँ से मुझे पीछे का पूरा लैंडस्केप दिखता था। इस बैस्टर स्टेट पार्क की एक अमेजिंग हिस्ट्री है। 1920 में मेन स्टेट के गवर्नर, US में गवर्नर पोजीशन इज इक्वल टू चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। मेन स्टेट के गवर्नर वाज ए गाय नेम बैस्टर, जो चाहते थे कि दिस लैंड इज कन्वर्टेड इनटू अ विल्डरनेस रिजर्व बाय डिफाइनिंग इट एज ए स्टेट पार्क। बट आसपास की पूरी जमीन एक पेपर मिल ने खरीदी हुई थी। जंगल था सो पेड़ काट के पेपर बनाने का। 1929 में एक रिसेशन आया, द ग्रेट क्रैश और द ग्रेट डिप्रेशन। तभी वो पेपर कंपनी से बैस्टर ने ये जमीन पर्सनली खरीद ली एंड स्टेट को डोनेट कर दिया टू मेक इट एज ए स्टेट पार्क। एंड उनका कंडीशन ये था, शैल फॉर एवर बी यूज्ड फॉर पब्लिक पार्क एंड रिक्रिएशनल पर्पजेस, shall be forever left in the natural wild state, shall forever be kept as a sanctuary for wild beasts and birds, and no road or ways of motor vehicles
shall hereafter ever be constructed thereon or therein. ये कंडीशन दे के उन्होंने ये लैंड स्टेट को डोनेट कर दिया। बैस्टर 1962 तक जमीन खरीदकर ऐड करते रहे। अभी पार्क का साइज इज ऑलमोस्ट 810 स्क्वायर किलोमीटर। व्हेन ही डाइड ही डोनेटेड अराउंड $7 million टू मेंटेन द पार्क। ये स्टेट पार्क है बट मेंटेन बाय ए ट्रस्ट। मैंने इसके बारे में पढ़ा जब मैं यहाँ आने का प्लान कर रहा था। यहाँ पर आने के बाद एंड देखने के बाद दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। थ्री लाइन क्रॉस करने के बाद मैं एक मोरेन जैसे सेक्शन के थ्रू जा रहा था एंड व्हाइट कलर का एक ट्रेल मार्किंग को फॉलो कर रहा था। मुझे समवॉट अंदाजा था कि आई हैव टू गो राइट क्योंकि कैटाडिन पीक के चारों तरफ फ्लैट लैंड है एंड बैस्टर पीक और कैटाडिन इज द हाईएस्ट अमंग द पीक इन दिस रेंज। अगर दूर से कोई देखेगा कैटाडिन रेंज इज द ओनली स्टैंडिंग स्ट्रक्चर फॉर माइल्स। हवा बहुत तेज थी एंड बहुत ठंड था। मैं यूएस के एक नॉर्दर्न स्टेट में हूँ दैट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद कनाडा। एक्सेप्ट समर आप यहाँ आ ही नहीं सकते हो। इमेजिन दिस लैंडस्केप इन विंटर। पार्क अथॉरिटी ने पूरा ख्याल रखा था यहाँ के अल्पाइन पेड़ पौधों का। हर जगह ट्रेल में रहने का मैसेज लगा था। सिंपल मैसेज था कि डिफाइन ट्रेल में रहो, हाईवे मत बनाओ। समिट पर पहुंचने के बाद मैं खुश था। नॉट जस्ट अबाउट मी रीचिंग टू द समिट बट अबाउट कैसे कि एक बंदे के एक्शन इज नाउ ए लैंडमार्क। ए पीस ऑफ लैंड वॉज नॉट ए पीस ऑफ लैंड बट ए मैसेज एंड ए लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई नॉट जस्ट द हिस्ट्री बट ऑल्सो हाउ इट इज मेंटेन्ड एंड मैनेज इन टूडेज डेट। सब जगह ये हो पाए इज नॉट नेसेसरी बट कोशिश तो कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट समथिंग लाइक दिस विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू डू इन सह्याद्री बट वी हैव टू स्टार्ट समवेयर टू प्रोटेक्ट आवर ट्रेल एंड द विल्डरनेस सराउंडिंग इट। वही थॉट के साथ मैं डिसेंड कर रहा था कि हम सह्याद्री में कैसे क्या कर सकते हैं एंड आई हैव गॉट सम थॉट्स एंड आइडियाज़।
and I will try to share it in a separate future video. Till then, please share your thoughts in the comment section below. Thank you and see you in the next video.